आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दी मोस्ट ट्रेंडिंग रेसिपी डालगोना कॉफी, और उसके साथ ही मैं बताऊंगी टी कॉफी के बेनिफिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड कैन वी हैव कॉफी इन अवर रीनल डाइट। बिफोर वी फाउंड आउट, लेट्स गिव अ क्विक इंट्रो। माय नेम इज मोनिका जैन एंड इन दिस चैनल आई विल बी शेयरिंग माय ट्रांसप्लांट जर्नी, ट्रैवल व्लॉग्स, लाइफस्टाइल वीडियोस, कुकिंग एंड बेकिंग वीडियोस एंड मच मोर। सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड डोंट फॉरगेट टू पुश द बेल आइकॉन बटन। लेट्स बिगिन। डालगोना कॉफी बनाने के लिए जो रेशियो होता है वो 1:1:1 रेशियो का होता है। मतलब जितनी ही आप कॉफी लेंगे उतना ही शुगर लेंगे और उतना ही पानी लेंगे, हॉट वाटर लेंगे। कॉफी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया, बोल या कुछ भी ले सकते हैं। सो इसमें मैं सबसे पहले जैसे 1:1:1 का होता है तो मैं यहाँ पे एक 2 teaspoon शुगर ले रही हूँ। एक्चुअली 2 tablespoon मुझे शुगर लेना है, तो आई विल इनक्रीज इट। हाँ, 2 tablespoon और शुगर लिया है मैंने। टेबलस्पून कॉफ़ी लूँगी। And exactly 2 tablespoon hot water. And with the help of beater, just beat it. तो beat करना है जब तक ये light yellow, thick और एकदम peak like structure इसका ना हो जाए, तब तक इसको beat करते रहना है। जैसे ही आप इसको beat करने लगेंगे, ज़्यादा time नहीं लगेगा इसमें, 3 to 4 मिनट मैक्सिमम, और जैसे ही आप इसको बीट करने लगेंगे ये अपना कलर भी चेंज करने लगेगा। आप अभी से देख सकते हैं लाइक दिस, एकदम डार्क ब्राउन होता है, ये कलर चेंज करने लगे, एकदम लाइट येलो हो जाएगा बीट करते करते। तो इसको बीट करते हुए रहना है, और बीट करते करते आप देखेंगे कि ये जैसे मेरा कंप्लीट बीटिंग हो गई है, इस तरह का कलर हो जाएगा, और ऐसे पीक होनी चाहिए, पीक लाइट फॉर्म का स्ट्रक्चर होना चाहिए डालगोना कॉफ़ी के लिए। केस अगर आपके पास कोई भी विपर या बीटर या हैंड ग्राइंडर कुछ भी नहीं है, तो हम अपना देसी तरीके से भी कर सकते हैं। मैं बहुत पहले से ऐसे ही कॉफ़ी को विप करती थी। इसमें कुछ नहीं करना है, वही सेम रेशियो हम इसमें डालेंगे जो मैंने पहले कॉफ़ी और शुगर और वाटर का लिया था, सेम रेशियो मैं इसमें भी डालूँगी। ये सेम रेशियो लेने के बाद हम स्पून के बैक पोर्शन से इसमें और इस तरीके से विप करेंगे जब तक ये जैसे मैंने बीकर में करके दिखाया था बीटर की हेल्प से, वैसे ना हो जाए, एकदम थिक पीक लाइक स्ट्रक्चर, लाइट ब्राउन कलर। जब मेरे को रीनल डाइट में थी एंड कॉफ़ी मना कर दिया गया था, तो आई वॉज थिंकिंग वाई इज़ इट सो। तो मैंने खूब सर्च किया, बिकॉज अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखा है रीनल डाइट का, जिसमें मैंने बताया हाउ आई मैनेज माई रीनल डाइट, तो उसमें मैंने ये मैंशन किया है कि मेरा सिर्फ 1 and only चीज रीनल डाइट के साथ था, वो थी कॉफ़ी। सो कॉफ़ी, एक्चुअली कॉफ़ी और टी दोनों में ही कैफीन होता है। सो ऐसा नहीं है कि टी में कैफीन नहीं है तो वो नुकसान नहीं करेगी, दोनों में ही कैफीन होता है। तो आप किस तरीके से कौन सी कॉफ़ी ले रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है आप कॉफ़ी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं डिनर लाइट में। लाइक इन ब्रूड कॉफ़ी 40 mg ऑफ कैफीन होता है पर 100 g ऑफ कॉफ़ी में, और अगर आप एक्सप्रेसो ले रहे हैं तो ड्यू टू सॉलिड कंपोनेंट उसमें 212 mg कैफीन होता है पर 100 g ऑफ कॉफी में। तो और साथ ही उसमें पोटेशियम, फॉस्फोरस के भी कंपोनेंट होते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड कि आप किस टाइप की कॉफ़ी ले रहे हैं, क्योंकि कॉफ़ी को कैसे प्रोसेस किया गया है उस पर भी डिपेंड करता है, कितनी डिग्री हीट पे उसको प्रोसेस किया है, कितनी बार ग्राइंड किया गया है, ये सारी बातें डिपेंड करती है कि आप कॉफ़ी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। एज आई रिसर्च, तो कॉफ़ी और टी
दोनों में ही कैफीन होता है एंड दोनों के ही एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। पहले मैं कॉफ़ी और टी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताती हूँ। अगर आप वेट लॉस के लिए सोच रहे हैं तो कॉफ़ी इज़ वन ऑफ द थिंग दैट शुड बी इंक्लूडेड इन योर डाइट बिकॉज कॉफ़ी वेट लॉस में हेल्प करती है। इसके अलावा अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो भी कॉफ़ी आपको बहुत बेनिफिशियरी रहेगी, वो एडवांटेजेस होती है टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट के लिए। और इसके अलावा कॉफ़ी अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है तो कॉफ़ी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगी, हो सकती है। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ कॉफ़ी। डिसएडवांटेज क्या है? अगर आपको एंजाइटी इश्यू है तो वो इंक्रीज कर देगी आपकी एंजाइटी। सो अगर आप स्ट्रेस में, हाई स्ट्रेस में एंजाइटी इश्यूज है तो आप कॉफ़ी को ना ही लें तो ही बेटर है, लेते हैं बहुत लिटिल अमाउंट में लें। इसके अलावा कॉफ़ी आपके हाई ब्लड प्रेशर को और फ्लक्चुएट कर देती है और इंक्रीज कर देती है, तो अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो कॉफ़ी को बिल्कुल ही अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा कॉफ़ी में कॉफ़ी दिक्कत करती है आपकी स्लीप पैटर्न पे, हिंडर्स करती है आपकी स्लीप को, बहुत नींद नहीं आती है, बहुत दिक्कत होती है सोने में अगर आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो। इसके अलावा टी, बिगेस्ट टी का एडवांटेज ये है कि वो स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। और डिसएडवांटेज क्या है? वो स्टमक की प्रॉब्लम को इंक्रीज़ कर देती है टी। लाइक अगर आपको अल्सर है तो आपको टी को अवॉइड करना चाहिए, आपको गैस्ट्रिक इश्यू है तो टी को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज टी एसिड फॉर्म करने लगती है आपके स्टमक में, तो टी नहीं पीना चाहिए अगर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हैं। उसके अलावा पेट दर्द, स्टमक क्रैम्प्स भी होते हैं टी पीने से बहुत ज़्यादा। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा टी पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लाइक 6-7 ग्लास अ डे, तो आपको टीथ का डिस्कलर हो जाएगा, टीथ डिस्कलर हो जाएंगे आपके, येलोविश हो जाएंगे अगर आप बहुत ज़्यादा टी पी रहे हैं तो। सो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कॉफ़ी एंड टी बोथ। सो क्यों हमें रीनल डाइट में टी अलाउड होता है एंड कॉफ़ी नहीं अलाउड होता है? ओनली रीज़न इज बिटवीन टी एंड कॉफ़ी का अलाउ होना और नहीं होना ए कि कॉफ़ी में डबल अमाउंट ऑफ कैफीन होता है इन कंपैरिजन टू टी। सो कॉफ़ी, इसके अलावा कॉफ़ी इज़ नॉट दी ओनली कंपोनेंट जिसकी वजह से वो डिनर लाइफ में नहीं अलाउड होती है। कॉफ़ी आप किस फॉर्म में ले रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लाइक आप लाटे पी रहे हैं, कैपेचिनो पी रहे हैं, एक्सप्रेसो पी रहे हैं, आप कौन सी कॉफ़ी पी रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। बिकॉज लाइक अगर आप लाटे पी रहे हैं तो मिल्क उसमें इंक्लूडेड है और मिल्क हाई इन प्रोटीन होता है। अदर देन दिस, कॉफ़ी खुद भी एक लिक्विड कंपोनेंट है और हम लिक्विड रिस्ट्रिक्शन पे होते हैं तो भी वो कॉफ़ी मना कर देते हैं। और उसके अलावा कॉफ़ी में जैसे अगर आप बाहर की कॉफ़ी पी रहे हैं लाइक फ्रॉम CCD, बरिस्ता या किधर भी, तो वो लोग क्रीमर यूज़ करते हैं। तो क्रीमर क्या होता है? क्रीमर में हाई इन पोटेशियम एंड हाई इन फॉस्फोरस होता है जो दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। सो वो कॉफ़ी हमें नहीं पीनी है। अगर आप कॉफ़ी लवर हैं, आप लाइक टी या कॉफ़ी आपको चाहिए ही मॉर्निंग में, लाइक इट इज़ अ पिक मी अप ड्रिंक, तो बिकॉज ये एनर्जी बूस्टर का फॉर्म करती है आपके पूरे डे के लिए, आपको तैयार कर देती है, एकदम एनर्जी बूस्ट हो जाती है ड्रिंक्स पीने से, तो आप ले सकते हैं। पर किस तरीके की कॉफ़ी आप पी रहे हैं और कितना अमाउंट पी रहे हैं इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और टी की में भी मैं बोलूँगी कि नॉर्मल टी के कंपैरिजन में अगर आप हर्बल टी या ग्रीन टी ले रहे हैं तो डैट विल बी आई थिंक मोर बेनिफिशियल देन नॉर्मल टी। और उसके अलावा आप कॉफ़ी को अपने डाइट में, जैसे कि मैंने किया था, इंक्लूड किया था, मैं जब कॉफ़ी लेती थी तो मैं उस दिन पूरे दिन ड्रिंक टी भी नहीं लेती थी, मिल्क भी नहीं लेती थी, और मैं ध्यान रखती थी मैं कौन सी कॉफ़ी और कितने अमाउंट कॉफ़ी पी रही हूँ। सो ये आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपनी रीनल डाइट में कॉफ़ी इंक्लूड कर सकते हैं इफ़ यू आर कॉफ़ी पर्सन। तो बस जस्ट बिफोर इंक्लूडिंग इट इन योर रीनल डाइट, कंसल्ट विथ योर डाइटिशियन, डॉक्टर और योर हेल्थ टीम बिफोर इंक्लूडिंग इट्स इन योर रीनल डाइट। बस ये कंप्लीट है, आप कुछ नहीं करना है। आप इसको हॉट मिल्क या कोल्ड मिल्क दोनों में बना सकते हैं। मैं कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ तो कोल्ड मिल्क में बनाऊँगी। पहले आप 3/4 कप मिल्क ले लेंगे जिसमें आपको सर्व करना है उस ग्लास में। 3/4 कप मिल्क लेने के बाद इनकेस आपको आइस क्यूब्स भी यूज़ करनी हो तो आइस क्यूब्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 आइस क्यूब्स ले रही हूँ।
बस ये जो हमारा मिक्सचर रेडी है इसको हम निकाल लेंगे। बस अब इसकी डलगोना कॉफ़ी पूरी, ये जो फेटी हुई विप्ड कॉफ़ी है इसी को बोलते हैं, बस इसको सजा लेना है, एक ऊपर से पोर कर देना है मिल्क में। ये हमारी डलगोना कॉफ़ी तैयार है, लेट्स डेकोरेट इट विथ सम कोको पाउडर। नाउ वी विल हैव सम मोर डेकोरेशन विथ चॉकलेट्स। आई विल टेक वन किटकैट। If you love this recipe, share with your friends, and if you want to see my pre-dance run video, click on these links. And tab tak ke liye stay healthy, stay tuned, and but don't forget to live, learn, and grow.